Hey guys, welcome to Pentech. दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं बहुत अमेजिंग एक साइंस प्रोजेक्ट, एक लेजर होम सिक्योरिटी सिस्टम। तो ये एक बहुत ही शानदार और यूनिक एक स्कूल प्रोजेक्ट भी होने वाला है और यहाँ पर मैं इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बनाकर दिखाया। तो वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देखो तो आप भी इसको बहुत आसान से बना लोगे और यहाँ पर आपको घबराने का कोई जरूरत नहीं है, 100% वर्किंग बोल रहे। तो चलिए फिर देख लेते इसको बनाए कैसे। तो सबसे पहले लेना है हमें इस तरह के कार्डबोर्ड और इसके ऊपर देखिए तो पेपर को चिपका दिया, इसलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है दिखने में। उसके बाद देख सकते हो इस तरह के छोटा सा घर का मॉडल बना लिया कागज का और इसको हम यहाँ पर सिंपली चिपका देंगे। तो चलिए फटाफट लेजर सिक्योरिटी अलार्म सर्किट को बना लेते हैं। इसको बनाना बहुत आसान है, सिर्फ तीन या चार कंपोनेंट से बनकर रेडी हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले चाहिए हमें एक BC547 ट्रांजिस्टर और इसके पिन आउट कुछ इस तरह से होता है, कलेक्टर, बेस और इमीटर। उसके बाद हमें चाहिए एक रजिस्टर 2.2K का और इसको इस ट्रांजिस्टर की कलेक्टर और बेस पिन के साथ सिंपली जोड़ देना है। उसके बाद हमें चाहिए एक LDR लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर और उसका कोई पोलैरिटी नहीं होता है, तो इसका एक पिन हमें जोड़ देना है इस ट्रांजिस्टर का बेस पिन के साथ। उसके बाद देख सकते हो मैंने ले लिया एक LED और उसका पॉजिटिव पिन को हमें जोड़ना है ट्रांजिस्टर के इमीटर पिन के साथ और नेगेटिव पिन को हमें जोड़ना है LDR का दूसरे पिन के साथ। उसके बाद लेना है हमें एक बजर, इसे भी LED का पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ सेम तरह से जोड़ देना है। देख सकते हो हमारा साइकिल कितना छोटा सा सिंपल सा बना है। तो चलिए इसको पावर देने के लिए एक बैटरी को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम यूज़ करने वाले 3.7 वोल्ट का लिथियम आयन बैटरी और बीच पे एक स्विच को भी जोड़ दिया ऑन ऑफ करने के लिए। तो यहाँ पर पॉजिटिव को जोड़ना है ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन पे और नेगेटिव को जोड़ना है LED और बाजार का नेगेटिव जहाँ पर जुड़ा है वहाँ पर। तो बस हमारा सर्किट कम्प्लीट हो गया और देख सकते हो ये काम भी बहुत अच्छे से कर रहा है। देखना जैसे ही लेजर के बीम LDR पे गिरेगा ये अलार्म बंद हो जाएगा, देख सकते हो। तो चलिए अब इसको मॉडल के साथ फॉरवर्ड फिट कर लेते हैं और ये कुछ भी नहीं है, इसको मॉडल के साथ फिट करने के बाद ही इसका असली काम आपको पता चलेगा। इसके ऊपर दोस्तों हम लेजर लाइट को सेट करने वाले, तो इसके हाइट को एडजस्ट करने के लिए इस ढक्कन को चिपका दिया और यहाँ पर आप इस तरह का लेजर लाइट को भी इस्तेमाल कर सकते हो और जो लेजर डायोड होते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर एक लाइक करना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो दोबारा देखने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना और दिए गए बेल आइकन को भी जरूर दबा देना ताकि आपको एक भी मिस ना हो। उसके बाद हमें लेना है इस तरह का 3 कांच का टुकड़े मिरर का और ये मुझे घर में ही मिल गया टूटे हुए मिरर में से, और 3 इस तरह का प्लास्टिक का टुकड़े भी ले लिया मिरर का स्टैंड बनाने के लिए। तो चलिए इसको फटाफट जोड़ लेते हैं। हो गया, तब इस तीनों मिरर को मॉडल का तीनों कॉर्नर पे बहुत अच्छे से और बारीकी से सेट करना है ताकि अपने इस लेजर के भी तीनों मिरर होकर इस LDR पर गिरे। दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे से टाइम लेके इसको फिट करना है। दोस्तों देख सकते हो 5 मिनट तक एडजस्ट करने के बाद ये एकदम सही हो चुका है और ये बीम देख सकते हो LDR पे आकर ही गिर रहा है। तो चलिए अब दोस्तों इस तीनों मिरर को धीरे धीरे बिना हिलाए फिक्स कर देते हैं। देख सकते बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा समस्या है, लेजर का स्विच को प्रेस करके रखना है तो उसके लिए हम इस जिप टाई को यूज करने वाले हैं।
तो चलिए दिखा देती हूँ। देख सकते हो अभी ये लेज़र और चालू है, जैसे ही इस जिप टाइट के यहाँ से नीचे उतार दूंगा ये लाइट ऑफ हो जाएगा और इसको फिर से स्विच के ऊपर चलाने से ऑन हो जाएगा। देख सकते हो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। चलिए इसका बाकी के हिस्सों को काट देते हैं। तो दोस्तों अभी हमारा प्रोजेक्ट 100% बनकर रेडी हो चुका है, तो चलिए अब इसको टेस्ट करके दिखा देते हैं। देख सकते हैं अब हमारा सिक्योरिटी लेजर ऑन है और ये घर पूरी तरह से सिक्योर है। आप कोई से भी एंटर करने की कोशिश करो ये अलार्म बजने लगेगा। और इस स्कूल प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, तो आप इसको चाहो तो बना सकते हो। तो दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को जोर एक लाइक करना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो दोबारा देखने के लिए चैनल को भी जोर सब्सक्राइब कर लेना, दिए गए बेल आइकन को भी जोर दबा देना ताकि आपका ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो भी मिस ना हो। और आपके इस वीडियो से जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।